पिछले कई दिनों से मैं आपको इस बात की जानकारी दे रहा था कि तुर्की की अर्थव्यवस्था और उसकी करेंसी लीरा दोनों की बहुत ही खस्ता हालत चल रही है, और तुर्की के FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद जिस हिसाब से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही तेजी से बद से बदतर होते जा रही है, उसको देखकर लग रहा है कि तुर्की तो पाकिस्तान से पहले दिवालिया घोषित हो जाएगा। और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना वो भी धरे का धरा रह जाएगा। और इस चीज को ना सिर्फ इंडियन मीडिया में कवर किया जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इसको लगातार कवर कर रहे हैं, जिसमें तुर्की का मजाक बनकर रह गया है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अब तुर्की की कंडीशन को लेकर उसके मजे लिए हैं। रशिया के बारे में तो हमको पता है कि किस तरह से अमेरिका और उसके अलाइज ने रशिया के ऊपर कितने सारे सैंक्शन थोप कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद रशिया की इकोनॉमी और करेंसी रूबल की इतनी बुरी कंडीशन कभी भी नहीं देखने को मिली है। या फिर ये कह सकते हैं कि पुतिन गवर्नमेंट और रशिया के सेंट्रल बैंक्स ने सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। इवन COVID-19 के समय भी रशिया की इकोनॉमी और उसकी करेंसी रूबल के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और रशिया के प्रेसिडेंट इसी से रिलेटेड बात कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसे सब हैरान हो गए हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि रशिया में इन्फ्लेशन अभी और भी समय के लिए 8% के आसपास रहेगी, महंगाई थोड़ी बहुत और बढ़ेगी, लेकिन आप लोग शुक्र करो कि जो रशिया का सेंट्रल बैंक है उसने देश का टर्की जैसा हाल नहीं होने दिया है। हमारी करेंसी रूबल टर्की की करेंसी लीरा के मुकाबले अभी भी काफी स्टेबल है। इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के साथ साथ दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का कारण बताया अमेरिका को, और कहा कि पेंडेमिक के दौरान अमेरिका ने खूब सारे डॉलर्स के नोट छापे हैं। टर्की की कंडीशन आज की डेट में इतनी खराब हो गई है कि वहाँ पर कई सारे शॉपकीपर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और कंपनीज अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट के रूप में टर्किश करेंसी लीरा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। लीरा की बजाय वो डॉलर और यूरो में पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लीरा का प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह रहा है। भारत की बात करें तो जो ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इसका इफेक्ट इंडियन करेंसी रुपीज के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन करेंसी रुपीज एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। भारतीय करेंसी रुपीज की वर्स्ट परफॉर्मेंस के पीछे का कारण है नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के कारण ग्लोबल फंड्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से पिछले कुछ ही समय के अंदर $4 बिलियन के कैपिटल निकाल लिए हैं। भारत में लॉकडाउन और थर्ड वेव के डर से फॉरेनर्स ने जो भी इंडियन स्टॉक्स परचेज करके रखे थे उनको वो अब सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में इंडियन करेंसी 2.2% गिर गई थी। इसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट जो कि रिकॉर्ड हाई है उसको भी एक रीजन माना जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा भारतीय स्टॉक मार्केट से लगातार निकाल रहे हैं, और परिणाम स्वरूप स्टॉक मार्केट में भी हाल ही के दिनों में 10% की गिरावट देखने को मिली है। भारत की बात करें तो टर्की की तरह हमारी करेंसी के डाउनफॉल का कारण हमारी सरकार, सेंट्रल बैंक या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की नालायकी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हुआ है ओमिक्रॉन के कारण। क्योंकि भारत में सेकंड वेव में क्या हाल हुआ था, इन्वेस्टर्स को उसी का डर है। हमारी करेंसी रुपीस लास्ट क्वार्टर में मात्र 2.2% गिरी है, जबकि टर्किश करेंसी लीरा उसकी बात करें तो पिछले कुछ समय के अंदर उसमें 40% से भी ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मिल गया है। भारत की इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी काफी स्ट्रांग चल रही है और ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे टॉप पर रहने वाला है। ऐसे में इंडियन करेंसी रुपीस बहुत ही जल्द रिकवर कर लेगी, लेकिन टर्की की अर्थव्यवस्था और उसकी करेंसी लीरा का फ्यूचर फिलहाल अंधेरे में दिखाई दे रहा है।